हेलो जी, हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आप सबका? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ जी। आज की हेलो हेलो देर से हो रही है। सुबह मैं काम चली गई थी, जब आई मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, मैंने कहा भाई पहले खाना बनाया जाए। फिर मैं सवेरे ही ना मैं चने की दाल और थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी तुली हुई मूंग, सवेरे ही शायद 5 बजे का टाइम होना, 5:30 का टाइम होना, मैं उठी तो मैं उन्हें प्योता थोड़ी जी सी, तो बस प्यो के फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का किया और मैं चली गई काम। आई हाँ तो मैं सोचा भी खाना बनाया जाए, बड़ी भूख लगी सी, लेकिन बनाना भी सी जो उन्होंने थोड़ा टाइम भी लगना सी, पर मैं जल्दी जल्दी बस चने की दाल ना एक रेसिपी बनाई, चने की दाल और मूंग की दाल, ठीक है, वो एक रेसिपी बनाई, बड़ी करारी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। मैं ये बना के ना अपना खाना बना के आई हाँ, बहुत सॉफ्ट, ठीक है, बहुत टेस्टी बनती है जो बहुत गर्म है। हाय हाय, मैं सिर्फ माड़ा जहा ग्रेवी में चख लैनी हाँ, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। मैं सोचा नालों नाल वीडियो बनानी हाँ और आपको भी दिखाती हूँ, हो सकता है तुम बनाते हो, ये जरूरी नहीं कि मैं ही बनानी हाँ। अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते ना तो एक बार मेरे कहने से, सच में जब मैं ये कहनी हाँ ना एक बार मेरे कहने से, तो सच्ची बनाया करो, सच्ची स्वाद होंगी है चीज़। क्योंकि मैं बहुत बारी बनाई होंगी है ये जी सब्जी है ना ग्रेवी वाली, ये ग्रेवी जिनी ज़्यादा रखनी घट रखनी तुम अपने ते रख सकते हो, और इनू बॉयल राइस नाल खादा जाए मज़ा ही आ जाता। लेकिन अज मैं फुलका बनाया, ज़्यादातर मैं बॉयल राइस नाल बनानी हाँ, तो हूँ मैं खाण लगी हाँ, मैं खानी हाँ, तो तुम जी मैं सब्जी बनाई है ना वो मैं क्लिप ऐड कर दी हाँ, तुम देखो देखो तो कमेंट्स में दसो कि तुम बनाने हो इस तरह। अगर बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो भी बताओ कि हम बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो बना के देखो, नहीं बनाते ना तो अभी भिगो देना थोड़ी सी दाल चने की और मूंग की धुली हुई, बनाओ बस, अब तो गर्मी है बड़ी जल्दी दाल भीग जाती है। चलो जी तुसी वीडियो देखो, मैं खाना खानी हाँ। हाँ जी, ये हैगी है जी धुली हुई मूंगी और थोड़ी जी चने की दाल, इन्हों मैं भिगोता सी 7-8 घंटे भिजिया रही बस, वैसे बड़ी जल्दी हो जाती है पर मैं पी नहीं 7 घंटे, बस पानी निकालता मैंने इस जार च पा के पीस लाँगे, नाल ही थोड़ा जहा अदरक तो एक हरी मिर्च पा दी, पीसन वेले पानी थोड़ा जहा पाना, ज़्यादा नहीं पाना, जो बिना पानी तो पीसी जा रही है तो ठीक है, पर हल्का जहा एक अद्धा चम्मच पाना पेगा। मैं लिया पीस, ये 2 चम्मच मैं पानी दे पाए है, हूँ इन मैं किसी बाउल च कढ़ती हाँ। हाँ जी, बस इनू हूँ ना हाथ नाल इस तरह चंगी तरह फेंट लेना, इस तरह मिक्स करी जाना है थोड़ी देर ताकि ये एयर आ जाए, बस इन थोड़ी देर ही फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा जहाँ गर्म मसाला, थोड़ी जी अजवाइन और थोड़ा जहा नमक, बहुत ज़्यादा तिखा नहीं रखना इनू, नमक ज़्यादा नहीं करना, ये बस नमक हो गया जी और थोड़ा जहा जीरा, थोड़ा जहा कुटिया हुआ धनिया और माड़ा जहा कलर लेना, थोड़ी जी हल्दी, बस इन्हों कर देना आप जी मिक्स, प्याज भी पा लिया और धनिया भी पा लिया बरीक कट के, तुसी हरिया मिर्चा इतने भी पा सकते हो सा कट के बरीक बरीक, मैं विच्चे मिक्सचर दे पातियाँ, ये हो गया चंगी तरह मिक्स, इन्हों 2 मिनट लिए हूँ आप साइड पर रखना, कढ़ाई रख के वो ऑयल पा के उन्होंने गर्म करते हैं। हाँ जी, इधर हो गया ऑयल गर्म, सरों का तेल है, हूँ इनू ना तुसी चाहे चम्मच नाल तो चाहे इस तरह हाथ नाल छोटे छोटे इस तरह बना के ये पा देने, बस इस तरह करके सारे उलट पलट कर, पलट पलट कर इन्हों आप फ्राई कर लेना। लो अज मेरे नेल्स नहीं है इस करके मैं हाथ नाल कर रही हाँ, बाकी चम्मच नाल भी बहुत सोहने होंगे है। ये देखो जी कितनियां सारियां बन गई हैं, ये पकौड़ियाँ पकौड़े जो मर्जी बोलो, ये मैं तुम्हें दिखानी हाँ थोड़ा ठंडे वाला चक के, ये आ देखो अंदर तक पक गए हुए हैं, स्टीम निकल रही है, ये कच्चे नहीं है, लेकिन जो हल्की फुल्की कसर है वह भी निकल जानी है। हुण आपां एक ग्रेवी तैयार करते हैं, ठीक है जी, एक मस्त जी ग्रेवी तैयार करते हैं,
इन्हां नूं असीं इस तरह भी चटनी नाल खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन आप ग्रेवी तैयार करते हैं, ये देखो वो तो हमने कर लिए फ्राई। हम एक पैन रखे है, वेच है जी टमाटर प्याज लसन अदरक सब कुछ इच्छे पाता, ते जेड़े ऑयल च फ्राई किया वही मैं ऑयल पाता, ठीक है ना जी। हुण आपां एक वधिया जी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। मैं बहुत बारी इंज करती हूँ भी सारा कुछ इकट्ठा ही करके ना मिक्स उन्होंने बरीक करके मिक्सी च कर लो या चौपर च कर लो, बहुत अच्छी बनती है इंज की सब्जी। बस जेड़े ऑयल च फ्राई किए उस उस ऑयल लिया, लसन अदरक टमाटर प्याज सब कुछ बहुत ज़्यादा देखो मैं बरीक नहीं किया, बस इन हम मैं भुन दूँगी। थोड़ा जहा मसाला बना देना है आप, माड़ा जहा मैं ये हम नमक ऐड कर देंगे ताकि टेस्ट के अनुसार कर देंगे ऐड, ताकि यह जल्दी जल्दी ब्राउन हो गए भुनिया जाए। टमाटर भी देखो बिल्कुल बरीक हो जाने हैं, बस इन फ्राई करके भुन के मसाले मैं मिल दी। ये हो गया जी, हुण इहदे विच मैं थोड़ा जिहा डाल दिता जीरा, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सुखा धनिया और थोड़ी सी देगी मिर्च। बस इसको कर देना कि मैंने मिक्स, साथ में थोड़ा सा इसमें डाल देना मैंने पानी ताकि मसाला ना गले। ये जो इसमें लगा ना ये अभी उतर जाना पानी डालने को, मसाला जिहड़ा ना बड़ा वधिया जिहा बन गया होया। हुण बस इहदे विच मैं थोड़ा जिहा होर पानी पावांगी और इहनूं मैं ढक के पका लैणा। इनू पकाण तो बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी मसाला बन गया जी, हुण इहदे विच मैं पा देना जी करी दे मुताबक खूब सारा पानी, जिन्नी तुसीं ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी डालना है। ये डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसको एक बॉयल आएगा, इसको ढक देती हूँ जल्दी बॉयल आ जाए। हाँ जी पानी उबलन लग गया, ये फ्राई किए हुए सारे ये पा देने आप मूंग और चने की दाल के लिए जो हमने बनाए हैं। चल यहाँ नमक मिर्च चेक करो, कम ज़्यादा तो ठीक कर लो, इन थोड़ा घट आंच करके इन हम आप 5 मिनट लिए पका लेंगे। ये देखो 5-6 मिनट बॉयल करके मैं बंद करता सी, मैं इस पावांगी जी गरम मसाला थोड़ा सा और उसी के साथ ये खूब सारा हमारा प्यारा प्यारा धनिया। बस ये बन गई जी हमारी सब्जी, चने की दाल और मूंग की दाल। देखो वो पकौड़ियाँ से बना के बहुत टेस्टी बनती है, जब तुसी बनाने हो तो बहुत अच्छी गल है, नहीं तो बना के देखियो। लो जी सब्जी होगी तैयार, बनाओ तो मौज करो। ये देखो आज मैंने क्या सारा खलारा डाला हुआ है बेड पे, सब सूट ये स्वेटर्स सब निकाल के धूप लगवाई, इनको फिर इनको पैक किया। देख लिया आपकी आंटी ने कितना सामान फैलाया हुआ है। बस आज लंच तो बाद यही काम किया, अलमारियां पे सी जड़े कपड़े कुछ स्टिच्ड कुछ अनस्टिच्ड सारे बाहर निकाले, कुछ मैं पहले वॉश करवाए सी जड़े पहले सूट सी, कुछ स्वेटर्स वॉश करवाइया हुई सी, कुछ ड्राई क्लीन करवाइया हुई सी, सारे ने इस तरह पैक किया, काफ़ी काम किया, काफ़ी कपड़े सैट कर ले, थोड़े जे रह गए सी। बस फिर शाम हो गई, ऐसे यही काम करते करते टीवी लगाया हुआ था ऐसे चलता रहा, नेल्स उतारे चावल बनाए मिठे गुड़ वाले चावल बनाए, चावल बड़े अच्छे बने, मैंने कुकर में बनाए थे गुड़ वाले चावल। जब कनाडा में थी तब कमेंट आ रहे थे कि आंटी गुड़ वाले चावल बनाओ, तब नहीं बने तो मैंने सोचा आज गुड़ वाले चावल बनाए जाए, मैं गुड़ वाले चावल बनाए अच्छे बने, क्लिप में तुम्हें शेयर कर दांगी टेस्टी बने। आप क्लिप देखोगे ना तो आप बताना कि आप ऐसे बनाते हो या आप और किस तरीके से बनाते हो, अगर नहीं बनाते तो ऐसे बना के देखना अच्छे बनते हैं, कुकर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बस इदा ही दिल लंघ गया, तो मैं सोचा क्यों ना तुहानूं क्लिप दिखाई जाए, और जिन्नी देर तुसीं क्लिप देखोगे उन्नी देर मैं सारे कपड़े उधर सैट कर रही हूँ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਵਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੌਂਫ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਪਾ ਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਲਈ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਟੋਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੋਰਮਲ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਾ ਰਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਵਲ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਗੁੜ ਔਰ ਡਬਲ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਗੁੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਸਲ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਵਿਸਲ। ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ ਦੋ ਵਿਸਲਸ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਗੈਸ ਕਰ ਦੀ ਬੰਦ, ਮੈਨੇ ਖੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਬ ਇਸਕੀ ਸਟੀਮ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਓ ਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓ ਚਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ ਚਾਵਲ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਵਿਸਲ ਦਿਲਵਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸਟੀਮ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਕਲਿੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।